नमस्कार। करवा चौथ भारतीय परंपरा में करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है ना, इसको बहुत विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और करवा चौथ के दिन अधिकतर पति अपने पत्नियों को गिफ्ट भी देते हैं। कोई साड़ी का गिफ्ट देता है, कोई गहने का गिफ्ट देता है, कोई मोबाइल देता है, कोई घड़ी देता है अपनी पत्नी को। तरह तरह के गिफ्ट अपने पति पत्नियों को देते हैं। लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसी बात बताऊंगा, आज मैं आपको फिजिकल गिफ्ट देने की बात नहीं करूंगा पत्नी को। इस बार इस करवा चौथ पर आप अपने पत्नी को ऐसा गिफ्ट दो जो वो जीवन भर याद रखे। आप कोई फिजिकल गिफ्ट दोगे तो हो सके वो एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन खुश हो जाएगी, लेकिन क्या सालों तक वो खुश रह पाएगी? नहीं। इस करवा चौथ पर फिजिकल गिफ्ट ना दे पत्नी को, कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो आपकी पत्नी सरप्राइज करे, उसे बिलीव ना हो और ऐसा गिफ्ट मिले। मैं ऐसे गिफ्ट की बात कर रहा हूं आज। मैं आप कहोगे सर फिजिकल गिफ्ट नहीं देना है, अब ऐसा गिफ्ट दें जो वो हमेशा याद रखे, ऐसा क्या गिफ्ट दें? ऐसा गिफ्ट आप दे सकते हो और बिल्कुल दे सकते हो, और आज मैं बताऊंगा आपको और आप खुद एनालाइज करोगे कि आप क्या गिफ्ट दे सकते हो और वह गिफ्ट आपकी वाइफ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और वो गिफ्ट ये है, आप अपने आप को एनालाइज करना कि आपके अंदर ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या बुरी आदतें हैं आपके अंदर जो आपकी वाइफ आपसे पसंद नहीं करती है। आपकी वाइफ आपकी उन बुरी आदतों से परेशान रहती है और आप चाह कर भी वो बुरी आदतें नहीं दूर कर पाते हो। आपको पता है कि यार मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मेरी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जो उनको पसंद नहीं है। और अब आप ये मत कहना कि सर मेरे में तो कोई बुरी आदत है ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूं और मैं, मेरे में कोई बुरी आदत नहीं है, मेरी पत्नी मेरी हर आदतों से खुश है। अगर ये बात अगर आप मुझसे करते हो ना तो इट इज इम्पॉसिबल। ऐसी कोई आदत नहीं है, हर इंसान अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं होता है। आपकी कुछ न कुछ ऐसी बुरी आदतें होगी जो आपकी पत्नी आपसे परेशान रहती होगी। बस इस करवा चौथ पर जब आप पत्नी को गिफ्ट दो ना, तो उस वक्त अपनी बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लेना पत्नी के साथ। अपने जीवन साथी को कहना कि तुम जिस बुरी आदतों से, मेरी बुरी आदतों से तुम परेशान हो, आज के बाद में वो बुरी आदतें मैं त्यागता हूं। तो ये गिफ्ट आपकी वाइफ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और बुरी आदतें क्या है बताओ मैं आपको। बुरी आदतें बहुत सारी हो सकती, जैसे आप शॉर्ट टेम्पर हो, आप बात बात पर अपनी पत्नी से गुस्सा करते हो, आपकी पत्नी इस बात से आप बहुत नाराज रहती है। ये भी आपकी बुरी आदत हो सकती है कि आप सबके सामने पत्नी का सम्मान नहीं करते हो, पत्नी को तू तड़ाक के और उसके हर वक्त उसकी कहीं ना कहीं उसकी बुराई कर देते हो, पत्नी इस बात को भी लेकर आपसे परेशान हो। या फिर आप छोटी छोटी बात पर अपनी पत्नी से झूठ बोलते हो, पत्नी को सच नहीं बताते हो, इस बात को लेकर भी आपकी पत्नी आपसे नाराज रहती है। या फिर आप अपने घर के सारे फैसले अकेले लेते हो, मां ठीक है आप अपने परिवार में मां पिताजी सबसे मिल बैठ के फैसले लेते हो सकता है कि आपकी पत्नी भी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलती है, तो आपके फैसले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो उन्हें भी होनी चाहिए। हो सकता है कि इस आपके इस आदत से आपकी पत्नी परेशान हो, आप हर फैसले आप अकेले ले लेते हो, या आप अपने परिवार के लिए लापरवाह हो, अपनी पत्नी के लिए लापरवाह हो, अपने बच्चों के लिए लापरवाह हो, इस बात को लेकर आपकी पत्नी आपसे परेशान रहती हो। या फिर आप अति व्यस्त हो, आप बहुत बिजी हो, अपने पत्नी को टाइम नहीं देते हो,
2 मिनट उसके पास बैठने का टाइम नहीं देते हो आप, दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहते हो और शाम को अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो, इस बात को लेकर आपकी पत्नी आपसे परेशान रहती हो। या अगर आप बेरोजगार हो, ध्यान रखना एक बात, पत्नी चाहे कितने ही पैसे कमाती हो, लेकिन कोई भी पत्नी ऐसी नहीं चाहेगी कि मेरा पति बेरोजगार हो। आप चाहे पत्नी से थोड़े पैसे कमाते हो, लेकिन कमाना जरूर। कभी भी कोई भी पत्नी ऐसे नहीं चाहेगी कि मेरा पति बेरोजगार हो। हो सकता है कि आपकी इस आदत से आपकी पत्नी परेशान हो, या फिर आप कोई गुटखा जर्दा तंबाकू खाते हो, इस बात को भी लेकर आपकी पत्नी परेशान हो। तो ये ऐसी कुछ बुरी आदतें हैं जो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो उनकी वाइफ, उनकी जीवन साथी उनको लेकर परेशान देती है। तो इस करवा चौथ को ऐसे कुछ बुरी आदतें का संकल्प लें और पत्नी के सामने बोले कि आज इस करवा चौथ पर मैं ये बुरी आदतें त्यागता हूं जिनको लेकर आप बार बार परेशान रहते हो। तो दावा है मेरा आपसे, आपके जीवन साथी के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट यही होगा, पूरे जीवन के लिए, पूरी लाइफ के लिए। क्योंकि आप फिजिकल गिफ्ट दोगे ना तो वो 1 दिन 5 दिन 10 दिन खुश हो जाएगी, लेकिन जब आप बुरी आदतें छोड़ोगे ना तो वो जीवन भर हैप्पी रहेगी आपके साथ में। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुरी आदतों से वो परेशान रहती थी ना, आप वो बुरी आदतें छोड़ने जा रहे हो, वो बहुत खुश होगी, बहुत हैप्पी होगी। अगर आप ये बुरी आदतें इस करवा चौथ पर छोड़ दोगे तो पत्नी अपनी पति के लिए लंबी उम्र मांगती है। क्या लंबी उम्र ही काफी होता है? काफी होता है जीवन जीने के लिए? नेवर। अगर पति की लंबी उम्र है और उस लंबी उम्र में दोनों के बीच में प्यार न हो, दोनों के बीच में स्नेह न हो, दोनों के बीच को लेकर एक दूसरे की जिम्मेदारियां न हो, दोनों को एक दूसरे को लेकर केयरिंग न हो, दोनों को एक दूसरे को लेकर असुरक्षा की भावना हो, तो वह जीवन किस काम का? लंबी उम्र हो और साथ में प्रेम हो, स्नेह हो, एक दूसरे की केयरिंग हो, एक दूसरे की देखभाल करना हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहना हो, तो एक वो लंबी उम्र काम आती है। वरना आप अपने पति की कितनी लंबी उम्र मांगो, अगर आपके जीवन में स्नेह, प्यार और सम्मान नहीं है ना, तो वह लंबी उम्र किस काम की? तो इस करवा चौथ पर अपनी पत्नी को ऐसा गिफ्ट देना कि आप सोचना, मनन करना कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो मेरी पत्नी उनको लेकर बार बार परेशान रहती है। बस वो बुरी आदतें काउंट करना और जब करवा चौथ का दिन होना तो उस दिन संकल्प लेकर अपने जीवन साथी को कहना कि जिन मेरी आदतों से आप परेशान होना, आज के बाद उनको मैं त्यागता हूं।